नमस्कार दोस्तों, कोचा पेड एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। हम वापस आ चुके हैं हमारे सीरीज़ के साथ। तो इकोनॉमी का जो भी सेक्शन था वो अभी तक लगभग लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, और आगे के जो भी सिलेबस आपको बचेंगे ना, क्योंकि क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो भी सीन रहता है ना, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ 12th की जो NCERT रहती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक के लिए वो पढ़ना रहता है, और उससे ज़्यादा फिर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स के ऊपर में बेस्ड रहना पड़ता है। जो बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है, बाकी चीज़ें जो है अपन करंट के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो आज मैं अपना नया लेक्चर सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूँ, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। ठीक है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला अपने को इस लेक्चर सीरीज़ में। क्या है मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये, मैं बहुत दिन से सोच रहा था इसको स्टार्ट करने का, बस इसीलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है आपको मैं दिखा देता हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दिखता कैसा है, किस टाइप का दिखता है वो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये कुछ कुछ इस तरीके का दिखता है, जो फ्रंट पेज है आपका ये उस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कुछ बेसिक पॉइंट्स जानते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर सीरीज। ठीक है, आज का जो भी है मैं पूरा बेसिक आपको बताऊंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फ्रेम किस तरीके से किया गया था, और किस तरीके से उसमें जो बनाने में मेहनत लगी थी वो किस तरीके से लगी थी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक होता है, बेसिक ये होता है कि वॉट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बेसिक आपको ये डेफिनेशन जानना चाहिए, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट अबाइड बाई रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉ बाई विच अ कंट्री इज गवर्न्ड। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू पे उसमें जो लॉज दिए रहते हैं, जो तरीके तौर तरीके दिए रहते हैं, उनसे एक कंट्री को गवर्न किया जाता है। ठीक है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब अपने को क्लास 7th 8th में हम लोग को ये सिखाया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है वो तीन पार्ट्स में, मतलब जो इंडिया की डेमोक्रेसी रहती है वो तीन पार्ट्स में कैसे कैसे डिवाइड रहती है। ठीक है, तो किन तीन चीज़ों में रहता है, एक होता है लेजिस्लेचर, ठीक है, ये होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशियरी। ठीक है, ये तीनों मेरे ख्याल से आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ बनाना, एल से लेजिस्लेचर और एल से होता है लॉ। लॉ मतलब इसको अपन एक तरीके से ये बोल सकते हैं पार्लियामेंट होती है। ठीक है, पार्लियामेंट में जितने लोग बैठते हैं, पार्लियामेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 545 की, जो अभी स्ट्रेंथ चल रही है। तो ये 545 जो लोग कंबाइंड मिलाएंगे ना, और प्लस 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 245 जो राज्यसभा, ये हो गया लोकसभा के लिए, ये हो गया राज्यसभा के लिए, इन दोनों को अगर कंबाइंड मिलाते हैं तो ये हमारा आता है लेजिस्लेचर के अंदर में। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रेंथ मैं आपको बताऊंगा, ये एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं थी, ये प्रेजेंट स्ट्रेंथ थी। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रेंथ का आगे मैं लेक्चर में बताते जाऊंगा जब वो चैप्टर आएगा। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए लेजिस्लेचर क्या होता है, पार्लियामेंट होता है, मतलब जितने भी मंत्री महोदय हमारे जो होते हैं उनको सब मिला के अपन कहते हैं लेजिस्लेचर। ठीक, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव उनको बोलते हैं जो हमारे सरकार चलाते हैं। ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करते हैं उन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। इनमें सबसे टॉप पोस्ट में आते हैं जो वो मिनिस्टर जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, जैसे हमारे मोदी साहब हो गए, अमित शाह जी हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए, ये लोग जो सब मिला के आते हैं, इन सभी को अपन कहते हैं एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, ये हो गया पहला लेयर जो होता है वो मिनिस्टर्स का होता है, सेकेंड लेयर जो होता है वो होता है सिविल सर्वेंट्स का, जो आप और मैं बनने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड लेवल जो होता है सिविल सर्वेंट्स का होता है, ये जो आज्ञा देते हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना, मतलब जैसे एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि लेजिस्लेचर में जो भी लॉज बनते हैं उस लॉज को जो इम्प्लीमेंट करवाता है वो होता है एग्जीक्यूटिव, और यदि कोई लॉ ठीक से फॉलो नहीं हो रहा है तो उसको ध्यान कौन देता है, उसको ध्यान देता है जुडिशियरी। ठीक है, ये दोनों कंबाइंड एक पार्ट में आते हैं, जुडिशियरी टोटल टोटल अपना अलग ही डिपार्टमेंट होता है। बातें क्लियर हो गई आपको यहाँ तक? जुडिशियरी क्या होता है, हमेशा लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से हमेशा अलग होता है, ये एक सेपरेट एंटिटी होती है। ठीक, इनका इन पे कोई दबाव नहीं होता, डेमोक्रेसी की खासियत ही यही है कि जुडिशियरी हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ कैसा था, मैं पूरा सिनेरियो के हिसाब से आपको एक एक चीज़ें बताते जाता हूँ। क्या हुआ था 1934 में, सबसे पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाता है, जो हमारे संविधान को बनाने के लिए लोग ज़रूरत पड़ता है उनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो एम एन रॉय जी जो थे 1934 में उन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी। ठीक है, 1934 में एम एन रॉय ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी। ठीक है, उसके बाद 1934 में ही स्वराज पार्टी जो रहती है, स्वराज पार्टी वो अपने विचारधारा बताती है कि हाँ हमें भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत है। ठीक है,
अब क्या होता है, ये तो इससे पहले बातें चल रही थी 1935 में, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 1935 में क्या है। मैं ये पूरा सिनेरियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल आ जाते हैं ना मेंस में, तो मेंस में पूरा सिनेरियो लिखना ज़रूरी होता है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले के ऊपर, ठीक है। तो 1935 में INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, ठीक है। किसमें किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंडिया की जो जितना भी गवर्नेंस चलता था, इंडिया का जो भी गवर्नेंस चलता था वो कहाँ से चलता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट से चलता था, ठीक है। तो इंडिया इंडिया की जो पार्टी थी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने डिमांड किया कि हमको एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, तो उन्होंने सेपरेट डिमांड 1935 में किया, ठीक है। बातें क्लियर हुई यहाँ तक? अब क्या होता है उसके बाद 1935 के बाद 1938 जब आता है, तो जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू जो दिया हुआ है यहाँ पे, उनका मतलब जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात कही किसके ऊपर? बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बाय पीपल ऑफ इंडिया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब एक तरीके से पहले ये समझिए कि ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी वो पूरे के पूरे इंडियंस लोग से ही बनेगी, वहाँ कोई भी फॉरेनर या कोई भी ब्रिटेन वाला या यूके वाला जो भी था वो नहीं रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस देश में, इंडिया, ये इंडिया पूरी कंट्री है, इस देश में जितने लोग भी 18 साल से ऊपर के हैं, 18 प्लस के लोग हैं, वो सभी वोट करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो चुन के लेके आएंगे। इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट मतलब 18 प्लस, 18 से ऊपर जितने लोग भी हैं उनको वोटिंग का राइट रहेगा, वो वोट कर सकते हैं, इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इट कम्स टू 1940। 1940 में क्या हुआ था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो ऑफ़र था वो एक्सेप्ट कर लिया ऑगस्ट ऑफर के नाम पे, ठीक है। ऑगस्ट ऑफर के नाम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट कर लिया 1940 में, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? अब क्या होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट तो कर लिया, तो फिर उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए वो कुछ अपने तरफ से भेजेगा, कोई कमेटी भेजेगी। तो वही 1942 में क्या हुआ था, उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्रिप्स मिशन भेजा था, ठीक है, जो कि फेल हो गई थी, ठीक है। सबसे पहले आप क्रोनोलॉजी इसका याद रखिएगा, एक एक करके कौन कौन आता है। सबसे पहले 1942 में क्रिप्स मिशन आया था अंडर सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सिंगल मेंबर कमेटी थी, ठीक है, सिंगल मेंबर कमेटी थी, स्टेफर्ड क्रिप्स, STAFFORD, स्टेफर्ड क्रिप्स तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। स्टेफर्ड क्रिप्स के अंडर में आया था, सिंगल मेंबर कमेटी थी लेकिन फेल हो गई थी। अब फेल का रीज़न क्या था? अब ये जो कमेटी थी, क्रिप्स मिशन जो थी, वो क्या बोल रहा था कि यहाँ जो मुस्लिम लीग जो थी ना, उसकी डिमांड थी कि उनको पार्टीशन चाहिए, मतलब उनको पाकिस्तान अलग चाहिए और इंडिया अलग चाहिए, ठीक है, उनको एक अलग सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, मुस्लिम लीग की चाहत ये थी, ठीक। अब INC जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने क्यों रिजेक्ट किया? उसने रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि ठीक है, आप इंडिया में जो भी राज करोगे वहाँ पे गवर्नमेंट सत्ता आपकी पूरी होगी, लेकिन आप किसके अंडर में काम करोगे? आप ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में काम करोगे, मतलब कुल मिला के आप ब्रिटिशर्स के अंडर में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में ही रहोगे, इसीलिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए? अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि 1945 जब आता है ना, तो 1945 में शिमला एग्रीमेंट के पहले जो इंडिया का वॉइसराय था उसको चेंज कर दिया जाता है। कौन आता है? वेवेल आता है। मैं लॉर्ड वॉर्ड कभी नहीं बोलता हूँ ये लोग को, क्योंकि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ये लोग, ना कभी थे, तो इसलिए मैं कभी लॉर्ड नहीं बोलूँगा। आपको मन है तो आप बोल दीजिएगा। 1945 में वेवेल आया था, ठीक है। अब वेवेल आया था, तो वेवल आने के बाद क्या हुआ कि 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि फेल हो गया था, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या क्या बातें की? हमने 1942 की बात की जिसमें क्या आया था, 1942 में हमारा आया था क्रिप्स मिशन आया था, उसके बाद फिर आया 1945 में शिमला कन्वेंशन, ठीक। शिमला कन्वेंशन में क्या हुआ था, जो तीन पार्टीज थी, एक होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरा होता है मुस्लिम लीग, तीसरा होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक। ब्रिटिश पार्लियामेंट के साइड से मतलब वॉइस रॉय ही होता है एक तरीके से, तो ये तीन पार्टीज थी, ठीक है, ये तीन पार्टीज थी। मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो हेड कर रहे थे वो कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को हेड कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मुस्लिम लीग को हेड कौन कर रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के साइड से जो भेजा गया था ये थे वॉइस रॉय, जिनका नाम था वेवेल, ठीक है, वेवेल था, ठीक है। यहाँ तो बातें क्लियर हो गई आपको?
अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये वाली जो मीटिंग थी, शिमला कॉन्फ्रेंस जो था, वो फेल क्यों किया गया, तो वो जान लीजिए। शिमला कॉन्फ्रेंस फेल इसलिए हुआ था कि मौला आईएनसी जो था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, वो चाहता था कि हमारा पार्टीशन नहीं हो, ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो पार्टीशन होता था ये ना हो। वहीं पे मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो चाहता था कि एक सेपरेट पाकिस्तान बने। इसी कारण से क्या है, दोनों पार्टीज़ में हमेशा अनबन अनबन चलती रहती थी, और यही कारण था कि बार बार कोशिश करने के बाद भी सार्थक नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अब क्या होता है, नेक्स्ट आता है 1946 में कैबिनेट मिशन। ठीक है, पहले क्या है, 42 में क्रिप्स मिशन, 45 में आया शिमला कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद आता है 1946 में आता है क्रिप्स मिशन, सॉरी कैबिनेट मिशन। ठीक, कैबिनेट मिशन में तीन लोग थे। पहले वाले जो थे वो ये क्या बोलते, स्टेफर्ड क्रिप्स तो पहले आ चुके थे, इससे पहले क्रिप्स मिशन में वो आए थे। दूसरा ए वी अलेक्जेंडर करके एक जन आए हुए थे। तीसरे थे पैथिक लॉरेंस, PATHIC होगा ये, थोड़ा सा माइंड मत कीजिए। पैथिक लॉरेंस जो थे, ये जो थे आपके प्रेसिडेंट थे, इस कमिटी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, अब ये क्या था, ये सक्सेस हुआ था। ठीक, अब सक्सेस क्या हुआ था, कुछ तो कारण होगा जो अलग होगा, तो चलिए वो देखते हैं अपन। पहले इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो मुस्लिम लीग था उनका यहाँ भी सेम डिमांड था कि हमको सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, बट इसने फिर से रिजेक्ट कर दिया, इसने फिर से रिजेक्ट कर दिया, कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट कर दिया था, हम तुमको सेपरेट पाकिस्तान नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे इसने एक चीज़ कहा था कि बट इट सेट फॉर द इंटरिम गवर्नमेंट विच वॉज एज फॉलोस। ठीक है, इसने इंटरिम गवर्नमेंट की बात की थी जिसमें ब्रिटिशर्स जो रहेंगे वो हेड नहीं रहेंगे। पहले क्या कहा गया था, हम सेपरेट पाकिस्तान भी नहीं देंगे, और दूसरा कि हम तुमको अपने अंडर में रखेंगे, ब्रिटेन वाले बोलते थे। अब उन्होंने एक पॉइंट चेंज किया कि अब हम तुमको अपनी सरकार देंगे लेकिन अलग से पाकिस्तान नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, तो यहाँ थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से था वो देख लीजिए। टोटल टोटल जो था 389 मेंबर्स जो थे उनको चुन करके, मतलब उनसे गवर्नमेंट बनना था, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनना था वो बनना था 389 मेंबर्स। ठीक है, 389 मेंबर्स से गवर्नमेंट बनना था, तो वो किस किस जगह से आया था वो भी देख लीजिए। 389 में से 296 जो मेंबर्स थे वो आए थे ब्रिटिश इंडिया से। ठीक है, और जो 93 मेंबर्स आए थे वो प्रिंसली स्टेट से, देशी रियायत बोलते हैं शायद उसको हिंदी में, जो लोकल जगह से, मतलब जहाँ पे ब्रिटिश इंडिया कब्ज़ा नहीं था, जो राज्य राजा लोग चला रहे थे, वहाँ से 93 लोग आए हुए थे और ब्रिटिश इंडिया से आए थे 296। ठीक है, अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूंगा, इसके जैसे बात बताऊंगा आपको। अभी 296 जो मेंबर्स आ रहे थे वो क्या थे, 292 मेंबर्स जो थे वो वॉयसराय के, वॉयसराय मतलब ब्रिटिश इंडिया जहाँ पे वॉयसराय अपना राज चलाता था या वॉयसराय जिसके ऊपर में था, वो 292 मेंबर्स वहाँ से आने थे, और चार मेंबर जो आने थे वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस से आने वाले थे। ठीक है, अब आपको डिवीज़न एक बार समझ में आ गया होगा। 389 मेंबर्स टोटल चुन के आने थे, उसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया से आएंगे, 93 आएंगे प्रिंसली स्टेट से, और 296 में से भी चार लोग आएंगे चीफ कमिश्नरी एरिया से, और 292 जो हो गए वो आ गए वॉयसराय प्रोविंस से। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात एक चीज़ है कि ये जो 296 जो है ना, इलेक्शन जो होना था वो सिर्फ 296 लोगों में ही होना था, 296 सीट्स में ही होना था, और जो ये 93 लोग आने वाले थे ये कैसे आने वाले थे, नॉमिनेटेड आने वाले थे, मतलब मनोनीत, ये इनको कोई चुन के नहीं भेजेगा, हाँ मैंने बोल दिया ये जाएगा यहाँ से, मतलब ये जाएगा, इस टाइप को वहाँ इलेक्शन नहीं होना था। इलेक्शन जो होना था वो सिर्फ 296 सीट्स में ही होना था। बातें क्लियर हो गई आपको यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया था, हाँ देखो यहाँ एक और चीज़, ये भी मेन चीज़ है। ठीक है, इलेक्शंस वर नॉट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हर इंसान जो 18 साल के ऊपर है उसको हक नहीं था। ठीक है, आई एम सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, उसको याद रखिएगा। बस मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक बताना चाहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन तो अपन कल से चालू करेंगे, बट जो भी बेसिक है वो आप यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, अब जो कम्युनिटी, अगर इसी इलेक्शन को अगर अपन कम्युनिटी बेस्ड के हिसाब से देखते हैं, तो इसमें तीन कम्युनिटी जो थी जिनको मेजर फोकस किया गया था, वो मेजर फोकस रिजर्वेशन आप समझ लीजिए एक तरीके से, वो था मुस्लिम्स, दूसरा था सिख, तीसरे थे अदर्स, मतलब बाकी जो जैन बुद्ध वगैरह जो भी आ गए वो सब अदर्स के कैटेगरी में आएंगे। सिख्स को अलग रिजर्वेशन मिलेगा, मुस्लिम्स को अलग रिजर्वेशन मिलेगा। ओके, क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अब इलेक्शन तो हो गया भाई, 389 सीट्स में होना था, सॉरी 389 मेंबर्स चुन के आना था, 93 चुन के मतलब नॉमिनेट मनोनीत करके आ चुके थे, अपने को 296 मेंबर्स जो थे वो चुन के लेके आना था। तो रिजल्ट देख लेते हैं उसका भाई, किस टाइप का रिजल्ट आया था। रिजल्ट आया था जिसमें रिजल्ट में अपने को एक चीज़ देखने को मिला कि 208 मेंबर्स जो थे, 208 सीट जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली थी, और जो 73 सीट्स थी वो मिली थी मुस्लिम लीग को। ठीक है, और जो बाकी 15 सीट्स बन गए बच गए वो बाकी लोगों को मिल गई थी। ठीक है,
क्लियर हो गई आपको, बाकी जो पार्टीज बनी थी उनको मिल गई थी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ये थी हमारी रिजल्ट की बात, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो हमारी चुन के आ गई भाई, हमारे पास 389 मेंबर्स मिल के आ चुके हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई है हमारी, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। तो क्या हुआ था, पहली मीटिंग जो हुई थी ना वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है। यहाँ लिखा होगा फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। पहली मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या किया गया था, इसमें एक टेम्प्ररी हेड चुना गया था जिनका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। बेसिक पॉइंट है, फैक्चुअल पॉइंट है, धीरे धीरे याद करते चलिएगा। इनको किस, इस कमेटी को किसने हेड किया था, पहला जो सेशन हुआ था उसको हेड किया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने, जो कि टेम्प्ररी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुस्लिम लीग जो थी उसने इस सेशन को बॉयकॉट किया था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने इस सेशन का बॉयकॉट किया था। तो टोटल मेंबर जो प्रेजेंट थे वो थे 211, 211 मेंबर से सिर्फ पहले सेशन में प्रेजेंट हुए थे, ठीक है। सब चीज़ फैक्चुअल समझ में आ गया आपको यहाँ तक। अब क्या होता है, अगली मीटिंग होती है, अगली मीटिंग जो होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। सेकंड सेशन हो गया। अब क्या है, पहली बार के लिए, पहली बार था तो अपन क्या है, प्रोटेम स्पीकर भी ऐसा चुनते हैं, उसके बाद फिर स्पीकर का इलेक्शन होता है तो परमानेंट हेड अपने को मिल जाता है। उसी तरीके से पहली बार प्रोटेम स्पीकर के रूप में सचिदानंद सिन्हा जी को प्रेजिडेंट टेम्प्ररी घोषित किया गया था या चुना गया था। तो सेकेंड जो सेशन हुआ था वहाँ पे अपने परमानेंट प्रेसिडेंट जो थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया डॉक्टर एच सी मुखर्जी को, ठीक है। एच सी मुखर्जी जो थे उनको परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तीसरा जो सेशन होता है वो होता है 13 दिसंबर 1946 को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए है क्योंकि इस दिन जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उन्होंने ऑब्जेक्टिव मोशन पास किया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मोशन क्या होता है, ये क्या था, प्रियम्बल का बेस था, प्रस्तावना जो होता है उसका बेस था ऑब्जेक्टिव मोशन, ठीक है। कब पास किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, क्लियर बात है यहाँ तक। अब इन्होंने प्रेजेंट तो कर दिया 13 दिसंबर को, अब 22 दिसंबर को इसको 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस मोशन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया इस मोशन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिपेंडेंस जो हुआ उसको अपन देख लेते हैं। इंडिपेंडेंस जो हुआ था उसमें क्या क्या कार्यक्रम किए गए थे। तो क्या हुआ था कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे ना, अब क्या वेवल की योजना से मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस थे वो लोग दोनों उतने खास सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे थे। तो क्या किया गया, जो वेवल था उसको वापस बुला लिया गया और माउंट बैटन था उसको वाइसरॉय की तरह भेज दिया गया, ठीक है, वाइसरॉय की तरह माउंट बैटन को भेज दिया गया। अब क्या हुआ, माउंट बैटन 20 फरवरी 1947 को क्लिमेट एटली जो कि ब्रिटेन का पीएम था उस टाइम पे, ठीक है। क्लिमेट एटली जो था वो ब्रिटेन का पीएम था। ये भी क्या है, कई बार स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं फैक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ। यूपीएससी के लिए बिल्कुल ये जानकारी, मतलब सिर्फ एक जानकारी बेस रखना ज़रूरी है, पूरा रटना ज़रूरी नहीं है। सीजीपीएससी वगैरह या स्टेट पीएससी होते वो सब के लिए ठीक है ये, ठीक है। तो क्लिमेट एटली जो थे वो पीएम के ब्रिटेन के पीएम थे उस टाइम पे। तो 20 फरवरी 1947 को उन्होंने अनाउंस किया कि 30 जून तक इंडिया को फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इंडिया को फ्री कर दिया जाएगा, पीएम भाई साहब ने अगर अनाउंस कर दिया तो कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा। तो उसी इंडिपेंडेंस के लिए माउंट बैटन जो इंडिया के वॉइसरॉय थे उस टाइम पे, उन्होंने एक प्लान बनाया 3 जून 1947 को प्रेजेंट किया, जिसको माउंट बैटन प्लान बोलते हैं या 3 जून प्लान बोलते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी देख लीजिएगा। अब इस प्लान ने क्या कहा, इस प्लान ने कहा कि ब्रिटिश इंडिया जो था उसको 2 डोमिनियन स्टेट्स में बदल दिया जाएगा, मतलब तोड़ दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के मुस्लिम लीग के हिसाब से पार्टीशन तो हो ही गया भाई, इंडिया अलग बन गया, पाकिस्तान अलग बन गया, तो मुस्लिम लीग तो बेशक सेटिस्फाइड हो गए। तो जो ब्रिटिश इंडिया थे उसको 2 भाग में तोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तोड़ दिया इंडिया पाकिस्तान में। जो प्रिंसली स्टेट्स बच जाएंगे, जहाँ पर राजा लोग जो मतलब 93 मेंबर्स जहाँ से चुन के आए हुए थे ना, वो प्रिंसली स्टेट्स बच जाएंगे, उनकी मर्ज़ी है, वो किसी एक में आना चाहें तो आ सकते हैं, नहीं आना चाहें तो
माता हैं, इंडिपेंडेंट रहें, वो उनके ऊपर छोड़ दिया गया था। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, बॉर्डर कमेटी जो था, बॉर्डर कमेटी उसको बनाया गया था कहाँ कहाँ पर बनाया गया था, पंजाब और बंगाल में बनाया गया था, पंजाब और बंगाल के एरिया में बनाया गया था। किसके अंडर में? रेडक्लिफ के अंडर में। अब रेडक्लिफ का नाम आया तो मैं रेडक्लिफ भी आपको बता देता हूँ। जैसे ये हो जाता है आपका इंडिया का बॉर्डर समझ लीजिए, ठीक है, ये हो जाता है गुजरात वाला एरिया, ये वाले एरिया में ना यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है वो उसको बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, तो ये वही बॉर्डर कमेटी जो बनी थी रेडक्लिफ के अंडर में, उन्हीं के द्वारा दिया गया था ये लाइन। ठीक है, दूसरा लाइन जो बनता है, जैसे ये हो गया आपका इंडिया, इधर वेस्ट बंगाल वाला रीजन हो गया, और यहाँ पे ये हो जाता है आपका इंडिया, ये हो जाता है बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है उसको भी अपन रेडक्लिफ लाइन से ही शो करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये दो चीज़ें समझ में आ गई। तो रेडक्लिफ की जो बॉर्डर कमेटी बनी थी उन्हीं ने, उसी ने इन दोनों लाइन को जन्म दिया है। ठीक, क्लियर हो गई बातें? अगली बात आती है फॉर इनएक्टिंग दिस एक्ट, फॉर इनएक्टिंग दिस प्लान। 3 जून का जो प्लान था उसके लिए एक एक्ट लाया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इंडिया को आज़ाद करने के लिए जो माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग आज़ाद करने के लिए एक प्लान एक्ट लाया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, डेट जाना जरूरी नहीं है, देख लीजिए आगे। अब क्या हुआ, अब ये प्लान तो आ गया, अब एक्ट भी आ गया, अब क्या हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया। ठीक है, पाकिस्तान अलग हो गया और इंडिया अलग हो गया। तो क्या हो गया, जो हमारे 389 मेंबर्स चुन के आए हुए थे उसमें क्या मुस्लिम लीग के भी मेंबर्स थे, 73 मेंबर्स थे ना भाई उसमें मुस्लिम लीग के, 208 मेंबर जो थे वो INC के थे। तो ये 73 मेंबर्स मुस्लिम लीग वाले थे, उनको तो अलग कंट्री मिल गया, तो वो लोग तो चले जाएंगे, तो बाकी जितने अपने पास बच गए ना, तो उस हिसाब से फिर दोबारा मेंबरशिप चुनी गई। तो नए मेंबर्स जो आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो आ गए हमारे 299 मेंबर्स। ठीक है, जो नए आ गए हमारे वो आ गए 299 मेंबर्स। ठीक, अब इसमें से क्या होना था, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें से 70 लोग चुन के आने थे, प्रिंसली स्टेट से 70 लोग चुन के आने थे, और जो ये 229 जो थे ये ब्रिटिश इंडिया से चुनकर आने वाले थे। क्लियर हो गई इलेक्शंस के थ्रू में बातें, क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्या दिया हुआ है, आगे, हाँ आगे की बातें आती है इंटरिम गवर्नमेंट। जो इंटरिम गवर्नमेंट हुई थी, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसमें कौन कौन से मिनिस्टर के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट था वो एक बार आप देख लीजिएगा। ये PSC के लिए इंपॉर्टेंट है, UPSC के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार वही चीज़ कहता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं इसका तो। ठीक है, ये शुरुआत क्या हो गए, आई थिंक ले लिया होगा आपने, थोड़ा सा नीचे करता हूँ मैं। उसके बाद ये आते हैं, इनको ये डिपार्टमेंट दिया गया था। ठीक है, आसफ अली तक मेरे ख्याल से लास्ट है, सी राजा गोपालाचारी से। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं पढ़ के भी नहीं बताऊँ क्योंकि ये फैक्चुअल न्यूज़ है, बहुत कम आते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं, फिर भी मैंने इसको बेसिक है बोल के मैंने इसको वो डाल दिया था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बन के आई हुई थी, अच्छा याद रखिएगा, हाँ ये जो आपका बन के आया था ना, ये जो मैंने लिस्ट आपको दिखाई इंटरिम गवर्नमेंट, ये क्या है 1946, मतलब जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1945 में, उसके अकॉर्डिंग जो लोग चुन के आए थे वो थे ना, इसमें क्या है वो लोग भी थे जो मुस्लिम लीग के थे। जैसे मैं एक आध नाम आपको दिखा देता हूँ, हाँ ये हो गया लियाकत अली खान, ये मुस्लिम लीग के थे। ठीक है, ये हो गया आपको मुस्लिम लीग के थे। फिर उसके बाद गजाफर अली खान, ये भी मुस्लिम लीग के थे। आसफ अली, ये भी मुस्लिम लीग के थे। तो ये सब क्या अलग हो गए थे, मेनली क्वेश्चन जो आता है वो इसी से आता है। तो इसके बाद जब जो टूट गया उसके बाद फिर अलग से अलग अलग पोर्टफोलियो दिया गया था लोगों को। ठीक, तो आगे बढ़ते, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 10 बन के आई थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के आई थी, उनका दो काम था। ठीक है, उनका दो काम था, एक था कि आप लेजिस्लेचर बनाओ, दूसरा काम था आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। ठीक है, लेजिस्लेचर मतलब लॉ, या एक काम उनका था असेंबली का कि आप लॉ बनाओ, दूसरा काम था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बनाओ। तब क्या होता था, जब भी कभी ये लॉ बनाने वाला काम चलता था तो वो किनको दिया जाता था, GV मावलंकर के अंदर में। उस टाइम पे प्रेसिडेंट GV मावलंकर होते थे जब लॉ की बारी आती थी। ठीक है, जब भी आपको लॉ बनाना होता था, इस कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लॉ बनाना होता था, उस टाइम पे हेड कौन करते थे, GV मावलंकर जी हेड करते थे। और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आती थी तो राजेंद्र प्रसाद जी उनको हेड करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ठीक है, बातें क्लियर हो गई आपको? चलिए कुछ मेजर पॉइंट्स देख लेते हैं अब। तो जो मेजर पॉइंट्स थे वो आप देख लीजिए, क्या हुआ था 19 फरवरी 1947 में क्या किया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना था ना उसको फिर
द गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया गया था। द गजट ऑफ इंडिया क्या होता है, एक नेशनल न्यूज़पेपर होता है इंडिया का, ठीक है। हर कंट्री का एक नेशनल नेशनल पेपर होता है, उसमें कोई भी ऐड दिए जाते हैं या कुछ भी चीज़ें जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी निकालती है वो वहाँ पर दिए जाते हैं कि हाँ किसी को इसमें आपत्ति थोड़ी है, इस टाइप की बातें जो ऑब्जेक्शन वगैरह कुछ होता है तो लोग उसको देख के ऑब्जेक्शन है सजेशन जो भी रहता है वो दे सकते हैं। तो उसी तरीके से इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन को भी ऐसे ही किया गया था कि उसको द गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश करवाया गया 8 महीने के लिए, ठीक है। 8 महीने के लिए उसको पब्लिश करवाया गया था, अगर किसी को दिक्कत है तो उसमें आप बता सकते हैं, ठीक है। इसलिए पब्लिश करवाया गया था उसको, ठीक है, 8 महीने के लिए पब्लिश करवाया गया था। दिक्कत है, सजेशन कुछ है तो आप उसको दीजिए, ठीक। उसके बाद जो भी उनको चेंजेस अच्छे लगे वो चेंजेस वगैरह उन्होंने किया। उसके बाद अक्टूबर में दोबारा इसको पब्लिश किया इन्होंने, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने अक्टूबर में दोबारा गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सब चीज़ तो रेडी हो गई है, अब एक बार पढ़ के देखते हैं, डिस्कशन जो भी है वो करके देखते हैं। तो जो पहला डिस्कशन हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 4 नवंबर 1948 को पहला डिस्कशन हुआ था, ठीक है। 4 नवंबर 1948 को पहला डिस्कशन किया गया था, क्लियर है यहाँ तक बातें। अब क्या होता है, पहला डिस्कशन एक बार ऊपर का ओवरव्यू अपने को मिल गया, उसके बाद फिर क्या किया था, ये कब तक चला था, 9 नवंबर तक चला था, ठीक है। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला था पहला डिस्कशन। अब क्या होता है, जो दूसरा डिस्कशन आया, ठीक, दूसरा डिस्कशन जो था वो 15 नवंबर 1948 से चालू हुआ था और 17 नवंबर 1949 तक चला था, ठीक है। पूरे एक साल से ऊपर तक चला था ये, ठीक है। 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 नवंबर 1949 तक सेकेंड रीडिंग चली, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी रीडिंग होगी, मेरे ख्याल से मैं यहाँ थोड़ा सा गलती किया हूँ, पार्डन कीजिएगा, ये जो होगा 14 नवंबर 1949 होगा। 14 नवंबर 1949 को जो थी आखिरी रीडिंग चालू हुई थी, ठीक है। 14 नवंबर 1949 को जो आखिरी रीडिंग चालू हुई थी वो कब तक चली थी, 26 नवंबर तक चली थी। 26 नवंबर 1949 तक आखिरी रीडिंग चली थी, ठीक है। कितने दिन हो गए ये, 12 दिन, ठीक, क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। इतने दिन तक आखिरी रीडिंग चली थी। 26 नवंबर को बी आर अम्बेडकर जी ने लास्ट सेशन ख़त्म करते करते एक चीज़ बोला था, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ठीक। किन्होंने कहा था, बी आर अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को कहा था ये स्टेटमेंट, ठीक है, क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ था, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में ना ओवरऑल 60 कंट्री घूमना पड़ा था और 64 लाख रुपए खर्च करना पड़ा था। सभी बेसिक फैक्ट्स हैं, एकदम बेसिक है, जो नॉर्मल कहीं पूछता नहीं है, बट फिर भी आप जान लीजिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक और मेन चीज़ होता है कि प्रीएम्बल जो था, प्रीएम्बल वो आखिरी पार्ट था, प्रीएम्बल वॉज द लास्ट पार्ट टू बी एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को प्रीएम्बल ऐड किया गया था, जो आखिरी पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ना, आप ये मत बोलिएगा कि बाद में तो जीएसटी काउंसिल 101 अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है आर्टिकल, वो सब तो होते रहते हैं, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन के रेडी हो रहा था, जब उसको काम में लाया गया 26 जनवरी 1950 को लाया गया, उसके पहले जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का कितना बना था, क्या क्या चीज़ें उसमें थी, वो सारी चीज़ों की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीएम्बल मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके से रहता है। प्रीएम्बल के जो स्टार्टिंग है ये वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया इससे स्टार्ट होता है, ठीक है, यही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। प्रीएम्बल दिख गया आपको। चलिए आगे कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स और बचे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए कुछ जो की फैक्ट्स हैं वो आपको बता देना चाहता हूँ मैं, जो एकदम बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है, वो याद रख लीजिएगा। जो लास्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को जो पहला सेशन था वो आखिरी सेशन था वो हुआ था। कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को लास्ट सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। उस टाइम पे कितने मेंबर्स ने साइन किया था, 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था 26 जनवरी 1950 तक। टोटल मेंबर्स कितने थे हमारे पास, 299 थे, जिनमें से 284 ने साइन किया था, ठीक है। बातें क्लियर हो गई आपको यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया, हाँ, अब जो पॉइंट दिया वो था कि 15 आउट ऑफ 299 मेंबर्स जो थे वो वुमेन थे, ठीक है, वो लोग वुमेन थे। आप इसको इससे रिलेट मत कर लीजिएगा ना कि वुमेन थे तो उन्होंने साइन नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं है, वो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे इसलिए उन्होंने साइन नहीं किया था। बाकी ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। 15 जो मेंबर्स थे वो थे, 299 मेंबर्स में से वो थे वुमेन, ठीक है, वो औरत लोग थे।
आगे का पॉइंट जो दिया गया है कि नेशनल फ्लैग जो था वो कब अडॉप्ट किया गया था, 22 जुलाई 1947 का अडॉप्ट किया गया था। नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया था, 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग भी 24 जनवरी 1950, और जो प्रेसिडेंट थे उनको भी 24 जनवरी 1950 को इलेक्ट किया गया था। प्रेसिडेंट कौन थे पहले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सील थी वो एलिफेंट की सील थी, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सील थी वो इस टाइप की थी, ठीक है। असेंबली की जो सील थी वो थी एलिफेंट की, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। आगे क्या दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, ये नोट में जो चीज़ मैं लिखता हूँ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। नोट में जो चीज़ दिया हुआ है कि प्रेम नारायण रायजादा जो थे उन्होंने अपने हाथ से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, होल कॉन्स्टिट्यूशन को उसने उन्होंने अपने हाथ से लिखा है, ठीक है। टाइप वाइप किया हुआ नहीं, उन्होंने अपने हाथ से लिखा है। दूसरी बात, नंदलाल बोस जी जो है और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जो है उन्होंने पूरा पेंटिंग पिक्टोग्राफी वगैरह ये सब जो पूरा है हाथ से उन्होंने किया है। कौन कौन किए हैं, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा और दूसरे नंदलाल बोस। ये राम मनोहर सिन्हा जी जो थे वो इनके डिसिपल थे, मतलब इनके शिष्य थे, ठीक है। मेन जो गुरु थे वो ये थे, नंदलाल बोस, ठीक। जो भी आ जाए आपको ऑप्शन के हिसाब से चूज़ करना है, ठीक है। क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब ये एकदम बेसिक चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम पे कितने पार्ट्स थे और आज के डेट में कितने क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। उस टाइम क्या थे, उस टाइम 22 पार्ट्स थे, अभी भी 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, अभी भी 395 आर्टिकल्स है, 8 शेड्यूल्स थे जो अब जाके 12 शेड्यूल में बदल चुके हैं अमेंडमेंट से, ठीक है। टोटल में अगर अपन थियोरेटिकली देखेंगे तो 395 आर्टिकल्स ही हैं उसमें होने को, लेकिन क्या होता है जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, कुछ आर्टिकल को हटाया गया है, कुछ आर्टिकल को जोड़ा गया है, तो ओवरऑल अगर अपन देखते हैं तो अपने पास 395 आर्टिकल ही हैं, ठीक है। यहाँ अपना होता है, आज का लेक्चर ख़त्म होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला लेक्चर तो था, एकदम बेसिक था, कोई मतलब का था नहीं, अगर यूपीएससी वाला कोई है देखने वाला तो। जो अगला लेक्चर होगा वो बहुत काम का होगा, वरना एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैंने भी यहाँ एकदम बेस से स्टार्ट किया था। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं अपन। आज का जो क्वेश्चन था वो था, विच ऑफ द कमोडिटीज़ आर नॉट रेगुलेटेड अमंग दी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ऑफ 1955। ए होगा ऑयल सीड्स, बी होगा पोटेटो, सी होगा फर्टिलाइजर्स, डी होगा अनियन। इसका आंसर मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, चलो इसका आंसर होगा सी, फर्टिलाइजर्स। क्या हो गया, अभी एक तो रिफॉर्म पैकेज में एक चीज़ दिया गया है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट्स में कुछ कुछ चीज़ों को डीरेगुलेट किया जाएगा, मतलब जो मंडी जो उसमें रेगुलेशन किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा वो अब नहीं किया जाएगा, वो मार्केट ही डिसाइड करेगी इनका प्राइस, ठीक है। तो उसमें ऑयल सीड्स हैं, ऑनियंस हैं, पोटैटोज़ हैं, पल्सेस हैं और एडिबल ऑयल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें को डीरेगुलेट कर दिया गया है, और कौन सा अभी मतलब अभी रिसेंट में कौन सा रेगुलेट नहीं किया गया है, तो वो होगा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइज़र के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आता है, मनरेगा कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। मनरेगा कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ हाइएस्ट टू लोवेस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ऑन द बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे मैंने आपको बताया था, आपने ध्यान से शायद पढ़ा भी होगा। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या होता है, फिर उसके बाद इंडिया से, ये चीज़ को अपने को देखना है। तो सबसे पहला जो एक्सपोर्ट होता है, सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसमें ये पहला होगा, सेकंड, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है प्रीशियस स्टोन्स, तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए 3। एक बार मैं देख लेता हूँ, इसका कोड 2 से स्टार्टिंग वाले कोई है, हाँ 2 से 3 है स्टार्टिंग वाले, ठीक है। उसके बाद होता है प्रीशियस स्टोन्स, उसके बाद क्या होता है, ड्रग फॉर्मुलेशंस होता है 3rd नंबर पे, उसके बाद होता है गोल्ड, ठीक है। तो अपन 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 1, इसके हिसाब से देखते हैं कोड कोई दिया है क्या, 2 3 2 3 4 1, हाँ आंसर सी होगा इसका, ठीक है। क्लियर होगी बात है आपको। चलिए आज का वीडियो अपन यहीं एंड करते हैं, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। बहुत अच्छे लेक्चर सीरीज चालू हो गई है, तो आज का फिर भी बोरिंग था, बट अगला जो लेक्चर सीरीज रहेगा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।